الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما محمد عامر سورة بني إسرائيل كي تفسير كي نئي سيريز आज इनशा हम इसकी पहली आयत की तफसीर पढ़ेंगे कबल इसके कि हम इसकी पहली आयत की तफसीर शुरू करें आइए जानते हैं कि इसका ज़मान नजूल कौन सा था पहली ही आयत इस बात की निशानदेही कर देती है कि यह सूरत मराज के मौके पर नाजिल हुई है मराज का वाक़ हदीस और सीरत की अक्सर रवायात के मुताबिक हजरत से एक साल पहले पेश आया था इसलिए यह सूरत भी उन्हीं सूरतों में से है जो मक् दौर के आखिरी ज़माने में नाजिल हुई उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहीद की आवाज़ बुलंद करते हुए बारह साल गुजर चुके थे आपके मुखालिफिन आपका रास्ता रोकने के लिए सारे जतन कर चुके थे मगर उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद आपकी आवाज़ अरब के गोशे गोशे में पहुँच चुकी थी इन हालात में मेराज़ पेश आई और वापसी पर यह पैगाम नबी दुनिया को सुनाया اب تفسير كي شروعات کرتے ہیں سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام مسجد اقصى تک जिसके आसपास हमने बरकत दे रखी है इसलिए कि हम उसे अपनी कुदरत के बाद नमूने दिखाएं, यकीनन अल्लाह ताला ही खूब सुनने देखने वाला है ये वही वाकया है जो अला मेराज और इसरा के नाम से मशहूर है अक्सर और मोतबर रिवायात की रूह से ये वाकया हिजरत से एक साल पहले पेश आया हदीस और सीरत की किताबों में इस वाकए की तफसी ब कसरत साहबा रद्ला तैन से मर हैं जिनकी तादाद पच्चीस तक पहुँचती है उनमें से मुफसल तरीन रिवायत हज़रत अनस बिन मालिक, हज़रत मालिक बिन सा अबू जर गफारी, अबू हुरैरा रत अब त से मरवी हैं उनके अलावा हज़रत हज़रतमर हजरत अली अब्दुल्ला इबन मसूद अब्दुल्ला इबन अब्बास अबू सद हदरी हदफ़ा बिन यमान आयशा रद्ल तहम और मुतद दूसरे सहाबा रद्ल तहम ने भी इसके कुछ हिस्से बयान किए हैं कुरान मजीद यहाँ सिर्फ मस्जिद हराम यानी बैतलह से मस्जिद अकसा यानि बैतुलमक़दस तक हजूर के जाने की तस्ह करता है और इस सफ़र का मकसद ये बताता है कि अल्लाह ताल अपने बंदे को अपनी कुछ निशानियाँ दिखाना चाहता था इससे ज़्यादा कोई तफसील कुरान में नहीं बताई गई है हदीस में जो तफसलत आई हैं उनका ख़ुलासा ये है कि रात के वक्त जबरील साम आपको उठाकर मस्जिद हराम से मस्जिद अकसा तक बुरा पर ले गए वहाँ आपने अम्बिया के साथ नमाज़ अदा की फिर वो आपको आलम बाला की तरफ ले चले और वहाँ मुख्तलिफ तबकात समावी में मुख्तलि जलील अम्बिया से आपकी मुलाकात हुई आखिरकार आप इंतहाई बुलंदियों पर पहुँच कर अपने रब के हुजूर हाजिर हुए और इस हुजूरी के मौके पर दूसरी अहम हदायत के अलावा आपको पाँच वक्त की नमाज की फ़र्जियत का हुक्म हुआ इसके बाद आपतुलमक़दीस की तरफ पलटे और वहाँ से मस्जिद हराम वापस तशीफ़ लाएं इस सिलसिले में बकसरत रिवायात से मालूम होता है कि आपको जन्नत और दोजह का भी मुशाह कराया गया नीज़ महतबर रिवायात ये भी बताती हैं कि दूसरे रोज़ जब आपने इस वाक़े का लोगों से जिक्र किया तो कुफार मक्का ने इसका बहुत मज़ाक उड़ाया और मुसलमानों में से भी बाज़ के ईमान मुतजल हो गए हदीस की यह ज़ायद तफ़ी कुरान के ख़िलाफ़ नहीं हैं बल्कि इसके बयान पर इजाफा है और जाहिर है कि इजाफे को कुरान के खिलाफ कहकर रद्द नहीं किया जा सकता तहम अगर कोई शख्स उन तफसलत के किसी हिस्से को ना माने जो हदीस में आई हैं तो उसकी तकफी नहीं की जा सकती अलबत्त जिस वाक़े की तस् कुरान कर रहा है इसका इनकार भी वफ़्र है इस सफ़र की कैफियत क्या थी ये ख्वाब में पेश आया था या बेदारी में और क्या हजूर सल्ला वसलम बजाते ख़ुद नशीफ ले गए थे या अपनी जगह बैठे बैठे महज रूहानी तौर पर ही आपको ये मुशाह कराया गया था इन सवाल का जवाब कुरान मजीद के अल्फाज खुद दे रहे हैं सुहैन लदी असर से बयान की इब्तदा करना खुद बता रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा खारक आदत वाक़ था जो अल्लाह ताला की गैर महदूद कुदरत से रोनुमा हुआ जाहिर है कि ख्वाब में किसी शख्स का इस तरह की चीज़ें देख लेना या कश के तौर पर देखना यह अहमियत नहीं रखता कि उसे बयान करने के लिए इस तमहीद की ज़रूरत हो कि तमाम कमजोरियों और नकायद से पाक है वह जिसने अपने बंदे को यह ख्वाब दिखाया कश्फ में ये कुछ दिखाया फिर यह अल्फाज भी कि एक रात अपने बंदे को ले गया जिसमानी सफ़र माने बगैर चारा नहीं कि यह महज एक रूहानी तजर्बा न था बल्कि एक जिसमानी सफ़र और आयनी मुशाहिदा था जो अल्लाह ताला ने नबी वसल्लम को कराया अब अगर एक रात में हवाई जहाज के बगैर मक्का से बैतुलमकद्दिस जाना और आना अल्लाह की क़ुदरत से मुमकिन था तो आखिर उन दूसरी तफसलत ही को नामुमकिन कहकर क्यों रद्द कर दिया जाए जो हदीस में बयान हुई है मुमकिन और नामुमकिन की बहस तो सिर्फ उस सूरत में पैदा होती है जबकि किसी मखलूक के बख्तियार खुद कोई काम करने का मामला जेर बहस हो लेकिन जब ज़िक्र ये हो कि खुदा ने फलां काम किया तो फिर इम्कान का सवाल वही शख्स उठा सकता है जिसे खुदा के कादिर मुतलक होने का यकीन न हो इसके अलावा जो दूसरी तफसीलात हदीस में आई हैं उन पर मुनकिन हदीस की तरफ से मुतद एतराज किए जाते हैं मगर उनमें से सिर्फ दो ही एतराज ऐसे हैं जो कुछ वजन रखते हैं एक ये कि इससे अल्लाह ताला का किसी खास मकाम पर मुकीम होना लाजिम आता है वरना उसके हुजूर बंदे की पेशी के लिए क्या ज़रूरत थी उसे सफर कराकर एक मकाम खास तक ले जाया जाए दूसरे ये कि नबी अलैहि वसल्लम को तोजह और जन्त का मुशाह और बाज़ लोगों का अजाब में मुबला होने का मुआन कैसे करा दिया गया जबकि अभी बंदों के मकाम का फ़ैसला ही नहीं हुआ है ये क्या कि सज़ा और जजा का फ़ैसला होना है क़्यामत के बाद और कुछ लोगों को सजा दे डाली गई अभी से लेकिन दरअसल ये दोनों एतराज़ भी किल्लत फ़िक्र का नतीजा है पहला एतराज़ इसलिए गलत है कि खालिक अपनी जात में तो बिला शुबा इतलाक़ी शान रखता है मगर मखलूक के साथ मामला करने में वह अपनी किसी कमज़ोरी की बिना पर नहीं बल्कि मखलूक की कमज़ोरियों की बिना पर महदूद वसायद अख्तियार करता है मसला जब वो मखलूक से कलाम करता है तो कलाम का वो महदूद तरीका इस्तेमाल करता है जिसे एक इंसान सुन और समझ सके हालांकि बजाय खुद उसका कलाम इतलाक़ी शान रखता है इसी तरह जब वो अपने बंदे को अपनी सल्तनत की अजीम व शान निशानियाँ दिखाना चाहता है तो उसे ले जाता है और जहाँ जो चीज़ दिखानी होती है उसी जगह दिखाता है क्योंकि वो सारी कायनात को बैक वक्त उस तरह नहीं देख सकता जिस तरह अल्लाह देखता है अल्लाह को किसी चीज़ के मुशाहिदे के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती मगर बंदे को होती है यही मामला खालिक के हुजूर बारियाबी का भी है कि खालिक बज़ात ख़ुद किसी मकाम पर मुतमक्किन नहीं है मगर बंदा उसकी मुलाकात के लिए एक जगह का महताज है जहाँ उसके लिए तजलियात को मरकूज किया जाए वरना उसकी शान इतलाक़ में उससे मुलाकात बंदा महदूद के लिए मुमकिन नहीं है रहा दूसरा एतराज़ तो वो इसलिए गलत है कि मेराज़ के मेराज मौके पर बहुत से मुशाहदात जो नबी सल्हलम को कराए गए थे उनमें बाज़ हकीक़तों को मुबसिल करके दिखाया गया था मसला एक फितना अंगेज़ बात की तमसील के एक जरा से शिकाफ में से एक मोटा सा बैल निकला और फिर उसमें वापस ना जा सका जनाकारों की यह तमसील के उनके पास ताज़ा नफीस गोश्त मौजूद है मगर वो उसे छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं इसी तरह बुरे आमाल की जो सजाएं आपको दिखाई गईं, वो भी तमसीली रंग में आलम आखिरत की सजाओं का पेशगी मुशाहिदा थी असल बात जो मेराज के सिलसिले से समझ लेनी चाहिए वो ये है कि अंबिया अलैहिस्सलाम में से हर एक को अल्लाह ताला ने उनके मनसब की मुनासिबत से मलकूत समावात और अर्ज़ का मुशाहिदा कराया है और माद हिजाबात बीच में से हटाकर आँखों से वो हकीकतें दिखाई हैं जिन पर ईमान बिल गैब की दावत देने पर वो मामूर किए गए थे ताकि उनका मकाम एक फलसफ़ी के मकाम से बिल्कुल मुब हो जाए फलसफ़ी जो कुछ भी कहता है कयास और गुमान से कहता है वह खुद अगर अपनी हैसियत से वाकफ़ हो तो कभी अपनी किसी राय की सदाकत पर शहादत न देगा मगर अम्बिया आलम जो कुछ कहते हैं वो बराह रास्त इल्म और मुशाहिदे के बिना पर कहते हैं और वो खल्क के सामने ये शहादत दे सकते हैं कि हम उन बातों को जानते हैं और ये हमारी आँखों देखी हकीकतें हैं आज के लिए इतना ही इस वाकई के मतलब जो भी अहदीस बयान की गई हैं उसको इन शगले एपिसोड में मैं कवर करूँगा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए आमीन व आखिर दुआना अनिल हमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामू अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह